कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मान नागरिक बंधुओं, जनजातीय गौरव समाज के सभी सदस्यगण और स्वास्थ्यकर्मी दीदीगण, कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के मित्रगण, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में आप लोगों के बीच हूँ और इसके लिए मैं जनजातीय गौरव समाज का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हमारे तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। वीरांगना महारानी दुर्गावती को आज उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वीरांगना महारानी दुर्गावती नारी शक्ति की प्रतीक थी, उनका स्वर्ग गाथा आप सब लोगों को मालूम है। उनकी जीवनी साहस, देश प्रेम, संघर्ष और स्वाभिमान को जिंदा रखने वाली उनकी जीवनी है, उनके जीवन की कहानी। आज हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों के बीच में मुख्य वक्ता के रूप में सुमन सिंह जी उपस्थित हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनको पर्याप्त समय बोलने के लिए नहीं मिला। अगर समय मिलता तो निश्चित रूप से महारानी दुर्गावती की संपूर्ण जीवन पर उनका विचार हम सब लोगों के सामने नहीं आता। कभी और अवसर उनके लिए देंगे और पूरा समय उनको सुनेंगे। और हमारे वक्ताओं को सुने हैं, हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान रहा है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं। तो ये हमारे वेदों में भी और हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। आज हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं तो पहले भगवती का नाम आता है, सीताराम, राधा कृष्ण, उमापति, महादेव। तो आप सोच सकते हैं कि सनातन धर्म में नारियों का कितना सम्मान रहा है। और हमारे देश में महारानी दुर्गावती जैसे अनेक वीरांगनाएं हुई हैं जिनका गौरवपूर्ण इतिहास है। और जैसे हमारे सुमन सिंह जी बता रहे थे कि इस देश की आजादी की लड़ाई में जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो धरती आबा बिरसा मुंडा हो, शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, गुंडापुर हो, गेल सिंह हो, अनेकों जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। लेकिन इतिहास में जितना इनको स्थान मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। कई लोगों का तो इतिहास में नाम आया ही नहीं। लेकिन मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने जनजातियों को समझा है, जनजातियों का मान सम्मान बढ़ाया है। जैसे आज इस देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर भी जनजाति समाज की हमारी एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने बैठाया है।
अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे तो जनजातियों के विकास के लिए पहली बार भारत सरकार ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में अनुसूचित जनजाति वर्ग का चिंता किसने किया है। आज धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनकी भगवान की तरह पूजा होती है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में किसी ने स्थापित किया है, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज जितने भी अनुसूचित जनजाति के महापुरुष हैं, जिनका योगदान आजादी की लड़ाई में हुआ है, ये सबको महत्व मिल रहा है इतिहास के पन्नों में भी, और जगह जगह उनके लिए संग्रहालय वगैरह बन रहे हैं। और महारानी दुर्गावती जो गढ़मंडला की महारानी थी, आज मध्य प्रदेश के अंदर में जबलपुर में उनके यादगार में करोड़ों रुपया खर्चा करके वहां पर स्मारक बनाया जा रहा है, केंद्र डेवलप किया जा रहा है। वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि जनजाति समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जैसा एक अनुसूचित जनजाति का बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए। उड़ीसा में पहली बार वहां पर सरकार बनी है तो वहां भी एक आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के हम सब लोग बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम लोगों को और एक तो कार्यक्रम अटेंड करना है और दिल्ली का भी बुलावा आ गया, इसलिए जल्दी रायपुर पहुंचना पड़ेगा। इससे और मैं ज्यादा नहीं करते हुए, मैं आपके संभाग का बेटा हूं, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है और मोदी जी ने और पार्टी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, तो आप पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ सरगुजा संभाग का और हमारा जो ट्राइबल संभाग बस्तर है उसका विशेष विकास की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर में है। और बजट में भी हम लोगों ने दोनों संभाग के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो प्राधिकरण वगैरह का गठन डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में हुई थी, वो सबको फिर हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग का विकास करेंगे। और वैसे भी सरकार के पास विकास के लिए पैसे का अभाव नहीं होगा। और आप कोई भी हम बताना चाहेंगे कि जो बस्तर संभाग आदिवासी माहौल है और जहां पर नक्सलवाद है, आज भी 5 जिले वहां पर नक्सलवाद से ग्रसित हैं और 6 महीने हमारी सरकार को हुए जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नए नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, आज 25 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खोले हैं और जहां भी सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, एक कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की 36 योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन गांव में सड़क पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, वहां राशन कार्ड पहुंच जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, 36 योजनाओं पर सरकार का फोकस है और बड़ी तेजी से वहां पर विकास हो रहा है। और आज सैकड़ों की संख्या में नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, तो ये विकास का काम वहां पर चल रहा है। और एक तो मैं इस अवसर पर ऐसा कहना चाहूंगा अपने जनजाति गौरव समाज के बंधुओं से कि हम लोगों को पढ़ाई पर अपने बच्चों को विशेष जोर देना है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज पूरे प्रदेश में प्रयास, एक संस्था प्रयास, जिसके माध्यम से हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाई में विशेष योगदान मिलता है, ऐसे 14 सेंटर और भी खोलने का प्रयास हो रहा है। और जो हमारे बच्चे हैं जो प्रौद्योगिकी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं,
और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली में भी एक हॉस्टल की व्यवस्था है। अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे तो हमारे ट्रैवल मंत्री रामविचार जी भी थे, हम सब लोग वहाँ पर घूम के आए हैं, वहाँ जो बच्चे हैं उनके साथ 1.5-2 घंटा बिता के आए हैं, उनका सुख दुख सुन के आए हैं। तब तो हमारे ट्रैवल मंत्री जी हैं रामविचार जी, इनका आग्रह था कि ये जो 50 सीट है वहाँ पर हॉस्टल का, इसको बढ़ाना चाहिए, तो उसको बढ़ा के अभी हम लोग 185 सीट दिए हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में 185 बच्चे वहाँ पर रह के सरकारी सुविधा का लाभ लेके कोचिंग का लाभ ले पाएंगे। वे सब हर क्षेत्र से विकास और अनुसूचित जनजाति का ऐसा हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और मैं अनुसूचित जनजाति की विशेष बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि बाकी पर ध्यान नहीं है, पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार करने वाली है, क्योंकि आज का एक कार्यक्रम जनजाति गौरव समाज का है, इसलिए मैं विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग यहाँ पर मैं मतलब चर्चा कर रहा हूँ। और मैं जनजाति गौरव समाज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश में जो विधर्मी लोगों के द्वारा और विशेषकर हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उनके समाज के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासी से बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा मतलब हिंदू अगर कोई है तो आदिवासी है। आदिकाल से महादेव पार्वती की पूजा करते हैं, गौड़ समाज में गौरी गोरा की पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? उस समाज में हम लोग सरूर पूजा करते हैं, तो सब में किसकी पूजा होती है? नाम अलग अलग है, कहीं गौरी गोरा बोलते हैं, कहीं शिव पार्वती बोलते हैं, लेकिन कहीं महादेव पार्वती बोलते हैं, लेकिन है तो शिव जी है ना। हम लोग पर्यावरण की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, तो आदिवासी से बड़ा कोई हिंदू है क्या? कोई नहीं। लेकिन आज देश को तोड़ने के लिए, हमारे सनातन को तोड़ने के लिए आज अनेकों विधर्मी लोग लगे हैं और ये भ्रम को तोड़ने का काम हमारे जनजाति गौरव समाज कर रहा है। और आज उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है तो बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं कि संस्था आगे बढ़ते रहे और इस भ्रम को तोड़ने में वो सफल हो। और यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य कर्मी दीदी बैठी और जिनके सहयोग से लगातार हमारा ये अंबिकापुर जो देश के छोटे शहर है उसमें लगातार नंबर 1 में आ रहा है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य कर्मी दीदी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहिए। और SLRM का यहाँ पर 20 सेंटर है और आप लोगों को पानी पीने की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो मैं आज ऐसे सभी 20 सेंटर में वाटर कूलर की घोषणा करता हूँ, सभी सेंटर में एक एक वाटर कूलर लगेगा। और गौड़ समाज का भी आवेदन आया था 50 लाख, उनका भी सामुदायिक भवन के लिए, समाज के भवन के लिए हम स्वीकृत हो गया है, कलेक्टर साहब से हमने पता किया है, अभी 2-4 दिन पहले ही उसकी स्वीकृति हो गई है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं, सभी पर कार्रवाई होगी, आप सभी लोग उचित मांग को रखे हैं। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आपके हर जो जिलाई काम है, जो विकास के काम है, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। और हम सब लोग आज वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस ले आज सर्व प्रेरणा ले। हमारे सोहन सिंह जी बता रहे थे कि 550 साल पहले 560वां ये उनका बलिदान दिवस है और 550 साल पहले एक आदिवासी समाज की महारानी की कितनी सोच थी पेयजल के विषय में। और उन्होंने रोटी वाला कहानी बताया, कितना मतलब न्याय प्रिय महारानी थी और नारी शक्ति की प्रतीक थी। तो ये सब उनके जीवनी को हम लोग और पढ़ें और उसके अनुसार अपना आचरण करें। तो ये बलिदान दिवस
बनाने का सार्थकता उसी में रहेगा। मैं फिर से एक बार अंत में आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं और विशेषकर ये अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय गौरव समाज का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।